नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। बिहटा के कंचनपुर पंचायत में दबंगों द्वारा सड़क की कटाई। आपको बताते चले कि बिहटा के कंचनपुर गांव में दबंगों द्वारा ग्रामीण सड़क की कटाई की जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो दबंगों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क काफ़ी पुराना है, लेकिन ज़मीन मालिक का कुछ हिस्सा इस सड़क में पड़ता है, जिसके कारण पूरे सड़क की कटाई करने जा रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए ग्रामीणों ने मिलकर इसकी सूचना प्रशासन को दी। तब जाकर प्रशासन मौके पर पहुंची और गाड़ियों को जब्त किया। सड़क की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क बहुत ही जल्द नवनिर्माण होने वाला था, लेकिन इन दबंगों ने निर्माण कार्य को भी बाधित किया है। हाँ, तो आखिर कब से खुदाई कब से कर रहे हैं हम लोग? ये हाँ। ये सड़क जो है इसका निर्माण करीब 1 साल पहले हुआ था। बीच में ये लोग कुछ जमीन इन लोगों का जाता है, उसमें ये लोग रुके हुए थे। अच्छा, उसमें आदमी आ जा रहा था, अप डाउन कर ले रहा था, लेकिन गाड़ी उड़ी आने जाने में समस्या हो रही थी। अभी फिलहाल आज सवेरे की बात है कि ये लोग अचानक JCB लेके पहुँचे हैं और उसके सड़क को खोदना शुरू कर दिया। अच्छा, इस बात पे हम लोग विरोध किए तो हम लोगों को भी गाली गलौज किया गया। अच्छा, उसके बाद हम थाने को सूचना किए। अच्छा, थाना आया JCB पकड़ के लाके यहाँ रखे हुए हैं। गाँव के कुछ मतलब करीब 10-15 दबंग लोग थे, वही लोग आके JCB से खड़ा। रोड कब से निर्माण कब से था? रोड निर्माण हुआ है सर लगभग 20-25 पहले से, 20-25 साल पहले से जी। सरकारी फंड से हुआ था, उस समय पंचायत समिति के द्वारा फंड दिया गया था, उसी से रोड का निर्माण हुआ। अच्छा, रोड जो था सबसे पहले तो कच्ची रोड बना जी, फिर उस पर राबी छाई सब का मतलब समय समय पर जो है तो उसका ई किया गया, बिछाया गया जी। मतलब आगे थाना कार्रवाई कर रही है मतलब ना जी? थाना को हम लोग सूचना दिए कि रोड लोग काट रहे हैं, रोड 1.5 साल पहले से पक्कीकरण की बात हो रही है, तो कुछ लोग उसमें अपना दबंगई दिखाने के लिए पक्कीकरण में कहीं कहीं बाधा पहुँचाए हुए। अच्छा, उसी जगह पर काट रहे हैं। पक्कीकरण में आधा काम हो चुका है, मोटा मोटा बोल्डर उल्डर करीब करीब समझ लीजिए कि 80% रोड पर बोल्डर बिछा हुआ है। बोल्डर उसके ऊपर से जो महीन गिट्टी जो बिछता है वो सब बिछा हुआ है। थोड़ा सा करीब करीब 150-200 फीट मतलब 150 फीट ये लोग अपना दबंगई दिखाने के लिए रोड नहीं बनने दे रहे हैं। अब उन लोग का भीतरी इरादा रंगदारी लेते लेने का है कि क्या है ठेकेदार से क्या लेने का, समझे ना? पुलिस को कितने गई, पुलिस अपना गई, जो लोग रोड काट रहे थे तो जैसे भी वो पकड़ करके निकलाई है। क्या नाम है भाई? क्या नाम है तुमका तुम्हारा और कौन बुलाया है तुमको? नाम बताओ कौन बुलाया है कि कौन लगवाया है, कौन रोड कटवा रहा है बताओ? हैं, ठीक है, ये लोग हैं। जमीन पर कटवाएंगे, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका जमीन है, रोड काटा जा रहा है, ठीक है ना? चुटू शर्मा है, ठीक है। परियारी पवन लोग भरते हैं जमीन। हाँ, हाँ, ठीक 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 है। मैं अपना दादा के जमीन में भर दिया हूँ, ठीक है ना? ये लोग हैं दबंग लोग, यही लोग हैं सर, ये लोग हैं, ठीक ना? संतोष शर्मा है, ठीक है ना? ठीक है बाबू। क्या नाम है मुंशी? हाँ, तुम कौन? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई पर्दा पर
ठीक है, जो कटवा रहे हैं ठीक है ना, सामाजिक कार्य, सामाजिक रोड को कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है ना। 10-12 दबंग लोग हैं, ठीक।